नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस। में हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उपचुनाव का घमासान तेज हो चुका है तो सभी दलों की प्लानिंग और ग्राउंड वर्क भी तेजी पकड़ चुका है। आमतौर पर उपचुनावों से दूर रहने वाली बीएसपी इस बार सभी 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। पिछले कई चुनाव में हाथी बुरी तरीके से हांफता दिखा। विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव, दलित वोटों पर सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाली मायावती को निराशा ही हाथ लगी। तो ऐसे में उपचुनाव पार्टी के लिए न सिर्फ अहम है बल्कि कमबैक भी बेहद जरूरी है। उधर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव आमने सामने हैं और लगातार तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। सीएम योगी मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर स्पेशल फोकस बनाए हुए हैं, ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मायावती का दलित ब्राह्मण दांव कितना कारगर साबित होगा और कौन दलितों का लीडर, मायावती या फिर चंद्रशेखर। केशव वर्सेस अखिलेश, 10 की दौड़ में कौन तेज और अयोध्या में योगी दांव से किस किस को तनाव। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। उपचुनाव का अखाड़ा, मायावती का दलित ब्राह्मण दांव। दलितों का लीडर मायावती या चंद्रशेखर। जीत पाएगा या हाथी फिर हांफ जाएगा। केशव वर्सेस अखिलेश, 10 की दौड़ में कौन तेज। वो कुछ है ही नहीं, वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते आप पता कर लेना। अयोध्या में योगी दांव, किस किस को तनाव है तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा, ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजेश पासवान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप दलित विचारक होंगे। वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत में वीरेंद्र जी आपसे ही कर रहा हूँ, उपचुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं, खासतौर से बीएसपी इस बार उपचुनाव में दिलचस्पी दिखा रही है। तमाम सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और एक बार फिर से मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है। आपको क्या लग रहा है कि जो 2014 में नहीं हुआ, जो 2017 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, दलित ब्राह्मण वोट के सहारे या इस कार्ड के सहारा मायावती इस बार कर पाएंगी। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि अतीत में की गई हुई तमाम गलतियों पर पार्टी चिंतन मंथन भी कर रही है और उसकी भरपाई की दिशा में प्रयास भी कर रही है। जैसे अधिकारियों की बैठक की गई, अलग अलग जिलों में अलग अलग सीटों पर तमाम प्रभारियों को भेजकर वहां से फीडबैक भी लिया गया और उसके बाद अब आपने सबकी जिम्मेदारी भी तय कर दी है। जो चैलेंज आप लोग ले रहे हैं कि 10 में 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे, ये आपका आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? सामने प्रतिद्वंदी जो है उसको आप कमजोर रखने की फिर से कोशिश कर रहे हैं क्या? अमित जी, किसी भी चुनाव के 3 स्तंभ होते हैं, एक तो विश्वास जीतना जनता का, दूसरा आपने क्या विकास का काम किया और कितना प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि एक समय 2019 में 4 बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उसके बाद भी विश्वास उत्पन्न करके, विकास के कार्य करके और जनता में प्रयास करके पुनः वहां जीतने का कार्य करती है। और ये तो उपचुनाव है अमित जी, उपचुनाव जो होता है वो जनता जान रही होती है कि विकास की डोर सरकार के हाथ में होती है, एक बात।
दूसरी बात, खटाखट फटाफट करके जो लोग, कई लोगों नकली दवा और नकले सामान जो अपना बेच रहे थे, जनता उनको ढूंढी, वो कहीं मिल नहीं रहे, वो भाग के किनारे खड़े हो गए। तीसरी, जो पीडीए की बात करते थे तो लोगों ने देखा कि भाई पीडीए माने पिछड़ा भी और पीडीए माने पीड़िता भी, वो अयोध्या में समाजवादी पार्टी का पीडीए दिखा नहीं। चौथी बात अमित जी, लोगों को लगा कि चाहे हिंदुस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर अत्याचार हो, बाकी सभी पार्टियां केवल हिंदुओं का वोट लेने आती हैं, हिंदुओं पे जब भी अत्याचार की बात होगी बात नहीं करेंगी। पांचवी बात अमित जी, प्रदेश की जनता ने ये देखा कि महिला पे दुराचार हो या कहीं भी अत्याचार हो या हाहाकार हो, हर जगह अगर कोई नाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का नाम आएगा। मुझे लगता है चार पांच ऐसे कारण हैं जिसके नाते प्रदेश की जनता ये जानी कि विश्वास अगर प्रदेश की जनता का किसी में है तो विकास में है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो जहां पे हार जाती है वहां तो और ज्यादा प्रयास करती है। इन्हीं कारणों से कभी दो सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 14 राज्यों में और केंद्र में तीसरी बार सरकार बना रही, तो मुझे अपने विश्वास पे, विकास पे, प्रयास पे, राष्ट्रवाद पे भरोसा है। और आपको भरोसा दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, अपने वरिष्ठों के साथ जिस तरह से जनता के बीच में विश्वास पैदा करने का कार्य करी, 10 की 10 सीटें देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। अनुराग भदौरिया जी, बीएसपी दलित ब्राह्मण कार्ड चल रही है, बीजेपी पार्टी को विस्तार दे रही है, तमाम मंत्रियों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सभी को। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी की तरफ से जितने बयान आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य हैं। हर दिन ये तय किया जाता है कि आज उन पर क्या अटैक करना है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दूं, उन्होंने बोला कि हमारा जो है विश्वास, विकास, प्रयास, इनका विश्वास ऐसा है कि जब जनता ने इन पे विश्वास किया तो इन्होंने क्या दिया बदले में? बदले में दिया बेरोजगारी, बदले में दी महंगाई, बदले में दिया किसानों पे अत्याचार, बदले में दिया महिलाओं पे अत्याचार, किसानों की मौत, ये इन्होंने जो विश्वास उन्होंने क्या उन्होंने दिया। विकास इनका क्या है? विकास क्या है? एक बूंद बारिश की पड़ती है, रोड टूट जाती है, एयरपोर्ट की दीवार छत छूने लगती है, और हमारा प्रभु जो अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है उसमें ही पानी भर जाता है, ये इनका विकास है। और प्रयास तो इनका क्या है, आपको बताइए कि कैसे जाति धर्म की राजनीति करो, नफरत की बात करो और सत्ता पाओ। पीडीए की बात कर रहे थे, अरे पीडीए के लिए हम लड़े तभी तो 69,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती जो आप नहीं दे रहे थे, उसमें आरक्षण का घोटाला किया आपने, एससी एसटी ओबीसी के साथ अन्याय कर रहे थे, तो हमको तो न्यायालय से मिला न्याय, उसमें भी आप कभी जनता के साथ, छात्रों के साथ खड़े नहीं हुए। महिला की बात कर रहे थे आप, महिला सम्मान की, अभी कल की बात है मुरादाबाद में एक नर्स के साथ एक डॉक्टर ने कितना बड़ा अन्याय किया है, हमें छुपाने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। आप बुलंदशहर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिरोजाबाद में हुआ, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाथरस तो आपको याद ही होगा, बीएचयू याद ही होगा, उन्नाव आपको याद ही होगा, मुरादाबाद में आपको बताया ही है, तो आप महिलाओं और आपका कन्नौज आपको याद ही होगा। कमाल की बात है, आपकी कानून व्यवस्था फेल होती है, कन्नौज में एक व्यक्ति महिला के साथ अन्याय करता है, आप उस पर खोलते हो किस पार्टी का है? अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खाकी का इतना रौब होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी बच्ची के साथ अन्याय ना कर पाए, आप अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, ये बोलते कि समाजवादी पार्टी का आदमी है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको न्याय दिलाने की, आप न्याय नहीं दिलाना चाहते। पश्चिम बंगाल में अगर ममता जी की सरकार है वहां बच्ची के साथ अन्याय होता है तो सरकार जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश में बच्ची के साथ अन्याय होता है तो विपक्ष जिम्मेदार। कैसी राजनीति करते हो भाई, मैंने सत्ता पक्ष में लेके सत्ता पक्ष का धर्म निभाते हो, विपक्ष में लेके विपक्ष का धर्म नहीं निभाते हो। आप सिर्फ जनता को बहलाने की बात करते हो, आपकी काम व्यवस्था फेल हो चुकी है, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, आप यहाँ पे विकास नहीं कर पा रहे हो, आप विश्वास नहीं जीत पा रहे हो। कभी आपको 33 सीटें मिली, हमें 37 सीटें मिली, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ है। हम पीडीएफ पे राजनीति करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हम लड़े, अंत तक लड़े। आप तो लाठी बरसा रहे थे, आप तो धूप में, बारिश में, कड़ाके की ठंड में जब वो धरने पे बैठते थे, आप लेके लाठी आके पुलिस पहुंच जाती थी, जो समाजवादी आके सामने खड़े होते थे, तब आप कहते थे समाजवादी राजनीति कर रही है। आज आज जब हाईकोर्ट से आपको फटकार लगी, जब ये वापस हुआ, रद्द हुआ, तब कैसा लगा आपको? हम न्याय की बात करते हैं, आप राजनीति की बात करते हो, आपके हमारे बीच का फर्क इतना है, समाजवादी लोग राजनीति नहीं करते हैं, न्याय की बात करते हैं, आप राजनीति की बात करते हो, बस इतना हमारे आपके बीच अंतर है। ओके, सिंह साहब कुछ काउंटर करना चाहते हैं? और प्रयास जो हमने समाजवादियों ने किया था उसकी जीत हुई और आपकी हार हुई, मान लीजिए। ठीक है भदौरिया जी, सिंह साहब
पैदा करने का कार्य किया। हमने विश्वास दिलाया कि देखिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 दंगे होते थे ना, वो नहीं होगा, मुजफ्फरनगर की तरह दंगा नहीं होगा। हमने विश्वास दिलाने का कार्य किया कि जो मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड जमीन जायदाद कब्जा करने के लिए हुआ था, वो नहीं होगा। हमने विश्वास दिलाया कि जोगिंदर नाम का पत्रकार जो जिंदा रहते बार बार ये कहता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी हत्या हो जाएगी, हम ऐसा नहीं करने देंगे, हमने नहीं कहने दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, कोई क्षेत्र नहीं, धर्म नहीं, वर्ण नहीं, जाति नहीं, यह देखकर कार्य नहीं होगा। और हमने 24 घंटे अगर बिजली देने का कार्य किया संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया, हमने अगर आवास देने का कार्य किया सभी जातियों को देने के लिए कार्य किया, सभी धर्मों के लिए, हमने विश्वास पैदा किया कि अपराधियों की सरकार नहीं है जो मछली खिलाती है, यह अपराधियों की सरकार नहीं है जो तालाब खुलवा देती है, अपराधियों की सरकार नहीं है जो उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करती है, अपराधियों की सरकार थी जब मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, अपराधियों की सरकार थी। बाबा साहब को कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बीएचयू की घटना हुई, कौन लोग थे, किसके थे वो, आईटी सेल के, बीजेपी के, मैंने ठीक है, ऐसी ऐसे धोखा डाकी का कोई मतलब नहीं है, तूतू मैमे का भी कोई मतलब नहीं है। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूँ। इस बीच एक अपडेट है हमारे पास कि हमारे साथ परमवीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मैं माफी चाहूंगा सर, शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मैं आऊंगा आपके पास। उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी, तैयारियों में कहीं आप लोग भी हैं क्या? मतलब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, क्योंकि बीएसपी जो कि उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, इस बार उसने एंट्री ली है और एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ही मायावती आगे बढ़ रही है। आप लोगों की तैयारी क्या है उपचुनाव को लेकर? देखिए, 10 सीटों पर हमने प्रवचक तय कर दिए हैं, उसके साथ में तैयारी पूरी चल रही है और जो सीटों का बंटवारा होगा वो भी आपके माध्यम से जनता को पता चल जाएगा। परंतु अभी जो लेटेस्ट मुद्दे मैं उन पर बात करना चाहूंगी, जो लेटेस्ट मुद्दा है वो ये है कि जो बहुजन समाज है आज उसका हक मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज के जो लोग राजनीति कर रहे थे, जो लोग उनके हकों के लिए बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आज पीछे नजर आए, क्योंकि आज उनकी जो लड़ाई है उसमें वो अकेले ही लड़े जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज 5 साल बाद न्याय मिलता है, 4-4.5 साल तक बच्चे बैठे रहते हैं अपने हक के लिए, अपने अपनी उम्मीदों के लिए, अपने उस हक के लिए जो उन्होंने संविधान से मिलता है। आप देखिए किस तरह से आरक्षण पर हमला किया जा रहा है, किस तरह से जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेटरल एंट्री के माध्यम से अब जो है यूपीएससी के जो रिजल्ट होंगे वो आएंगे। लेटरल एंट्री मतलब आपका एग्जाम ही नहीं होगा, जब एग्जाम नहीं होगा तो कौन सा आरक्षण मिलेगा? कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी ईडब्ल्यूएस जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है वो सभी लोग सफर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस साजिश को लगातार रचती चली जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी बताने में असमर्थ है कि जनजातीय जनगणना पर क्यों नहीं मुंह खोलती, और मुझे लगता है कि आज इनके जो जितने भी घटक दल है उनके सामने भी यही सवाल आकर खड़ा हो जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपने वोटर को कैसे समझा पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके हकों को खाए जा रही है,
तो किस तरह से वो उनको समझाएंगे और किस मुंह से वो जनता के सामने जाएंगे। तो समस्या आज सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह और बाहर भी अंतर्कलह है। उसकी वजह से जो जो रिजल्ट आएंगे वो आप देखिएगा कि 2 सीटों से ऊपर निकालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मॉडल मिल गया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे जमीन की खरीद फरोख्त हो, हर तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से एक मॉडल आप देख सकते हैं। इस पर मैं सिंह साहब को काउंटर लूंगा, लेकिन उससे पहले परमवीर जी को चर्चा में शामिल कर लूं। परमवीर जी, मौजूदा परिस्थितियों में खासतौर से चंद्रशेखर के पार्लियामेंट पहुंच जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप दलितों का लीडर किसे देख पा रहे हैं, बड़ा लीडर किसे देख पा रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में, मायावती या फिर चंद्रशेखर? जी अगर हम देखें यूपी की राजनीति में कहा जाता था कि एम फैक्टर, एम फैक्टर को बहुत से लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन एम फैक्टर मायावती फैक्टर होता है। रीजन क्या है कि मायावती जी का हर सीट के ऊपर लगभग 8 से 10% का ऐसा वोट बैंक होता है जो कभी हिलता नहीं है, जो आज तक जो मायावती अभी जी अगर कहें तो बसपा राजनीतिक रूप से धरातल पर है, लेकिन वो 10% वोट शेयर आज भी नहीं हिला है। बात समस्या क्या हुई है, देखिए मायावती जी ने भी बात करी, समाज की बात करी, उन्होंने बात करी सोशल इंजीनियरिंग की बात भी करी, उन्होंने दलितों के उत्थान की बात भी करी, लेकिन इस बीच में होता क्या था ये कि राजनीतिक आप ये माने कि एक श्राप है कि जब आप समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते नेता कब अपनी लड़ाई अपने परिवार की लड़ाई लड़ने लगता है पता ही नहीं लगता है, इसमें बहुत छोटी सी दीवार होती है, तो कुछ वहीं पर भी मायावती जी भी घिरी। लेकिन मायावती जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी या मुलायम सिंह जी की पार्टी कहा जाएगा, उसमें अंतर यही था कि मायावती जी का कुनबा इतना बड़ा नहीं था जो उनकी विरासत को संभाल सकता। अखिलेश जी का कुनबा, मुलायम सिंह जी का कुनबा बहुत बड़ा है, शिवपाल है, अखिलेश जी हैं, डिंपल हैं, तमाम 8-10 परिवार के लोग हैं जो मतलब जैसे मायावती, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मायावती जी के पास ले देकर एक आकाश आनंद बच्चे थे, उनसे उन्हें प्रॉब्लम हुई तो उसके अलावा कौन, अतिरिक्त कौन। लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं होता है कि जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लिए अपने परिवार के लिए नहीं बनाया, कांचीराम जी ने अपने परिवार के लिए नहीं बनाया, लेकिन मायावती जी अब देखेंगे आने वाले भविष्य में क्या करती हैं, तो इसी वजह से मायावती जी धरातल पर आई हैं। लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होने वाला है ये ट्रीपोलर होने वाला है, यहाँ पर एम फैक्टर माने मायावती फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा, और चंद्रशेखर जी और मायावती जी के बीच में कोई कंपैरिजन मात्र है ही नहीं है। ओके, वो चंद्रशेखर जी गलबहियां कर रहे थे पहले, अभी अखिलेश जी के पीछे पीछे घूमे हैं, कांग्रेस के पीछे घूमे हैं, और वो उनकी ही दया से बने हुए हैं ये। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो एक सीट निकाल ले गए हैं लेकिन इससे ज्यादा उनका कोई इम्पैक्ट है नहीं। राजेश पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आऊंगा भदौरिया जी आपके पास। राजेश जी, अभी मौजूदा परिस्थितियों में दलितों का लीडर आप किसे देख पा रहे हैं, एक तो ये सवाल, दूसरा मायावती का एक बार फिर से दलित ब्राह्मण कार्ड आपको लग रहा है कि उपचुनाव में उनके लिए कमाल कर पाएगा? भदौरिया जी मैं आऊंगा आपके पास, राजेश जी सवाल मेरा आपसे। दलित दलित चिंतक, मुझे इस समय कोई भी दलित राजनेता ऐसा नहीं लग रहा जो दलित इंटेलिजेंसिया को रिप्रेजेंट करता हो, दलित आंदोलन को ठीक से रिप्रेजेंट करता हो, इसमें कोई नेता नहीं दिख रहा है, ना मायावती जी दिख रहे हैं, ना चंद्रशेखर दिख रहे हैं, ना चिराग दिख रहे हैं, ना कोई और दिख रहा है। जहां तक बात है दलित ब्राह्मण गठजोड़ की, यह संभव नहीं है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने जिस विजन को लेकर के, जिस बहुजन विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उस विचारधारा से जैसे जैसे बहन जी दूर होती गई और जैसे जैसे वो बीजेपी के जाल में फंस करके बीजेपी के समर्थन सरकारें बनाती गई, वैसे वैसे बीजेपी ने उनको बर्बाद तोड़ करके और कमजोर करते करने काम करती रही। 2007 में फिर से गठजोड़ नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि बहुजन आइडियोलॉजी वाली आई थी दलित ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे ही और इसी कार्ड के सहारे ही जी। हाँ, ये बीएसपी और बीजेपी का जो गठजोड़ है इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपने साथ मिलाकर किसी को कैसे बर्बाद किया जाता है, ये कोई भी इस गठजोड़ से सीख सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बहुजन विचारधारा को साथ लेकर अगर बहन मायावती जी आती है और माननीय कांशीराम जी की विचारधारा को लेकर चलती है तो फिर से वो रिवाइव कर सकती है, जिसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। सिंह साहब काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चुटकी ले रहे हैं तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की है, विपक्ष के सारे डाउट को क्लियर कर दिया। आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी की तारीफ में उन्होंने कौन कौन से कसीदे पढ़े, सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानता हूं कि आप भी हम जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश
उसका नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली है। और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भदौरिया जी, आप लोग कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल, आप तो सीएम बनने का ऑफर दे रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं आप, लेकिन अभी तो ये तस्वीर सामने आ रही कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, अब क्या कहेंगे आप लोग? वैसे अंदर तो आप भी हंस रहे होंगे कि जो दिल्ली से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके जनता तक जिनको नकारात्मक मिली हो, दिल्ली लखनऊ जनता सबने उन्हें नकारा, उप से हो गए चुप। ऐसा डर उन्हें लगा मुख्यमंत्री का कि डर के मारे कहने लगे, हाँ मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत दिनों बाद आपको याद आई। ये तो समाजवादी ने कहा ही पहले से, समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री अगर डांट देंगे तो चुप हो जाएंगे वो, उनका उप भी बचे ना बचे इसकी गारंटी नहीं है, तो उप बचाने के लिए उनको तारीफ को लाइए, कम से कम बचा रहे नहीं, उप भी चला जाएगा, तो इसलिए उप बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ पता चल रहा है कि उनके अंदर में कितना झगड़ा है, वो तो मुख्यमंत्री जी हैं ही, ये अपना उप बचाने के चक्कर में लगे हैं कि चलो हम मुख्यमंत्री की तारीफ करें तो उप बच जाए, तो ये क्या जनता की सेवा करेंगे? कोई अपना उप बचाने में लगे तो जनता जो परेशान है बारिश से, जो जनता झेल रही है बेरोजगारी से, जो महंगाई से, छात्र परेशान है, उसका पर्चा भी हो रहा है, 70,000 में जिन्होंने घोटाला किया उन्हें कहां जनता की मदद करेंगे? ये अपना अपना उप बचाने में लगे हैं, जब उप बचाओगे मंत्री पद बचाओगे तो जनता की सेवा कैसे करोगे? जरा मुझे बता दीजिए। तो जनता की सेवा, हम पीडीए की बात करते हैं क्योंकि हम पीडीए पे चलते हैं, हमने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ी बारिश में, ठंड में, कड़ाके की किसी की बात नहीं आ पा रही, किसी का ऑडियो नहीं आ पा रहा है। एक सेकेंड प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी की आवाज नहीं आ पा रही है, ऐसे ना आवाज ओवरलैप हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही। भदौरिया जी देखिए, जिस घर में चार बर्तन रहते हैं वहां पर खटर पटर तो होती है, लेकिन बीजेपी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है। और आप याद करिए ना कि जब आप लोग सत्ता में थे तो क्या क्या नहीं हुआ था, परिवार के भीतर भी, सरकार के भीतर भी, कभी गायत्री प्रसाद प्रजापति को हटाया गया, फिर उनको रखा गया, कभी चाचा शिवपाल अध्यक्ष बने, कभी अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो ये तो अतीत में सभी दलों में रहा है और आपके आपको तो इसका अनुभव भी है। अच्छा 10,000 दीजिए, मैं आऊंगा, सिंह साहब आऊंगा, भदौरिया जी 69,000 भर्ती को, जब देखो 69,000 भर्ती का हाईकोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है, सरकार की फटकार लगाई, तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ गए, तो अनुप्रिया पटेल भी आ गई, निषाद जी भी हमारे समर्थन में आ गए, तो मैं तो कह रहा हूं आप समर्थन कीजिए यूपीएससी जो लेटरल वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपने SC ST OBC का हक मानने जा रहे हैं, वहां बीजेपी के विचारधारा के लोगों को भर्ती करने के जो उन्होंने फॉर्मूला सेट किया है उसमें भी ये लोग आए, आप अपनी मुखरता से बोले कि नहीं वो गलत हो रहा है, वो लेटरल भर्ती जो बिना एग्जाम के भर्ती करने वाली यूपीएससी में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर सिंह साहब काउंटर कर रहे हैं, ठीक है भदौरिया जी, भी ST ST और OBC का हक मिलना चाहिए। एक बार फिर से आरक्षण के मसले पर आपसे सवाल किया जा रहा है सिंह साहब। अमित जी 10 सेकंड देखिए, अमित जी पूरा देश ये जानना चाह रहा, पूरा देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है और 10 साल से अधिक हो गई केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, आरक्षण के मुद्दे पर बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दे। लेकिन अमित जी एक चीज जानना होगा, जहां कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है और दलितों के लिए जो फंड को सब लोग देखा ना, ये कहते कुछ और करते कुछ और, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया, हमें किसान की जमीन देना चाहते थे और अपने, ठीक है सिंह साहब, इस मसले पर एक बार फिर से आप लोगों को घेर रहे हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं तो आपको पब्लिक के बीच इस भ्रम को दूर करना होगा। परमवीर जी क्लोजिंग कमेंट आपका, उसके बाद मैं जल्दी से प्रियंका जी आपके पास जाऊंगा। परमवीर जी
अमित जी देखिए, ये जो भ्रम भ्रम कही है या जैसे भी एजेंडा से ये चलाया जा रहा है कि आरक्षण खतरे में है या संविधान खतरे में, ये केवल यूपी में ही काम कर रहा है, ये बिहार में नहीं काम कर पाया। और ऐसे समय पर मायावती जी की एंट्री होना ये इस भ्रम को खत्म कर देगा। मायावती जी ने साफ साफ कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी खतरे में नहीं था, आरक्षण कभी खतरे में नहीं था, लेकिन बात क्या है कि उसको जोर जोर से बोला जाएगा तो थोड़ा टाइम बर्स्ट हो जाता है कई बार। लगता है ओके सर, प्रियंका जी 10 सेकंड। देखिए मैं जहां तक समझती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, किस तरह से हाई कोर्ट ने ये इनका जो एक छुपा हुआ फेस था वो उजागर कर दिया है, दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी। और दलितों के विकास के लिए दिए हुए फंड को कांग्रेस ने समय हमारे पास इतना ही था। कौन संविधान विरोधी है, कौन संविधान हितैषी, पब्लिक के बीच जाकर बताना होगा। तीन प्रमुख सवालों के अधिग्रद हमने चर्चा को आगे बढ़ाई। एक तो एक दलितों का लीडर कौन, मायावती या फिर चंद्रशेखर। दूसरा केशव वर्सेस अखिलेश, 10 के दौड़ में कौन तेज, वो भी आपने देख लिया। उस पर क्या जवाब दोनों तरफ से आया है। और अयोध्या में योगी दांव से किस किस को तनाव है, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।